मां कबूर की जो हो बांग्लादेश हिंसा परे पाखापाखि तीन मास भारत रे लुचि बसिछंती बांग्लादेश रो पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना सेबे ठारु तांकर किछि भी टेर नाही भारत रे निवासित जीवन बिताउथवा बेले एबे बहु दिन परे बांग्लादेश हिंसा को नै मुह खोलिछंती हसीना सीधा बांग्लादेश रो अंतरण सरकार को ऊपर को एबे आंगुली उठाइछंती हिंदू पूजक चिन्मय कृष्ण दास को समर्थन करी सरकार भूल करुछंती बोली विवृति रखिछंती तबे भारत रे लुकायित भावे रहिबा परे जेमिति पूरा थमी जाइथिला हसीना का स्वर अंतरण 19 सरकार बांग्लादेश रो हिंसा पाई पूर्व हसीना सरकार को दायी करी तांको विरुद्ध रे अनेक अधिक जन आक्रोश सृष्टि करथो बले एथिरे पदे टिए भी कहि नथिले हसीना हेले एबे 3 मास परे निजरो निरवता भांगिछंती देशद्रोह अभियोग रे चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्त करा जीबा घटना को से तीव्र निंदा करछंती आउ तांकू तुरंत मुक्त करबा को दाबी करछंती तबे से कहिछंती चट ग्राम रे जणे वकीलंक हत्या को दृढ़ निंदा करबा सहित एथरे संपृक्त अपराधी को तुरंत गिरफ्त करे पई से दाबी करछंती एथि सहित इस्कन सदस्य चिन्मय कृष्ण दास प्रभुंक गिरफ्त को विरोध करछंती यथा शीघ्र तांकू मुक्त करबा पई पूर्वतन प्रधानमंत्री दाबी करछंती पूरा सनातन हिंदू समाज सिलीगुड़ी के महानगर के सड़कों पर उतर आया है अपने संतों के अगुवाई में ये एक विरोध यात्रा सिलीगुड़ी के बागा ज्योतिन पार्क से शुरू होकर एसडीओ ऑफिस मालागुड़ी तक ये जाएगी हमारा आज का एक मुख्य विषय एक ही है कि हमारे जो इस्कॉन मंदिर के प्रमुख पूजनीय संत चिन्मय कृष्ण दास जी है उनको एक षड्यंत्र के तहत बांग्लादेश के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया बांग्लादेश की अदालत ने उनको जामीन देने से इनकार कर दिया ऐसा क्यों पूरे विश्व भर में जहां जहां भारत जहां जहां हिंदू सनातन रहते हैं उसमें एक आक्रोश पैदा हो रहा जनमानस में कि हर ये कनाडा हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है वहीं हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है तबे किए ही चिन्मय कृष्ण दास जहां पाई मुह खोली हसीना हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्त को कड़ा विरोध कर बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहते सनातन संप्रदायर जड़े शीर्ष नेता अन्याय भाव गिरफ्त कर चिन्मय दास को तुरंत मुक्त करने को से दावी करछंती सहित आवामी लीग्र नेता और कर्मकर्ता विरुद्ध में कार्यानुषान ग्रहण करा से आपत्ति जनाइछंती सरकार से अजथे हरण करुथबा हसीना अभियोग करछंती ये जो बांग्लादेश में चल रहा है जो इसका जंगी संगठन है तो ये ठीक नहीं है पहले ये प्रमाण करना चाहिए प्रूफ दिखाना चाहिए कि जंगी संगठन है क्या नहीं तो बैन करने के लिए जो वो मुद्दा उठा रहा है तो ये ठीक नहीं है तो ये लोगों को पहले इनके जो सरकार है इनको इनके जो पुलिस है तो ये देखना चाहिए कि ये संगठन इनका हालचाल क्या है इनका लक्ष्य क्या है तो अब ये इसके बारे में बोलना चाहिए तो हम इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है तो ये मेरा निवेदन है सबके लिए जो पहले देखना चाहिए तो तब बात करना चाहिए देखिए ये संपूर्ण षड्यंत्र हमारा चिन्मय प्रभु जी का कोई अपराध नहीं है अगर अपराध होते तो बांग्लादेश का जो कानून है ना हम लोग वो कानून को बारे में मालूम है कोई अपराध करेगा तो एक दिन में उसको अरेस्ट हो जाता है तो वो 1.5 महीना का बाद एक बहाना करके उसको अरेस्ट किया है ये संपूर्ण षड्यंत्र इसलिए हमारा बांग्लादेश में जो हिंदू है संत है बहुत संतों को उसको निधन हुआ है और अभी अभी काल का जो खबर है हमारा मंदिर का जो शिष्य लोग रहते हैं वो लोग को घर में अग्निशंजक कर दिया है इसलिए हर दिन
एक न एक घटना वहां हो रहा है। इसलिए आज हमारा मांग है, हमारा जो भारत सरकार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारा जो मिनिस्टर लोग है ये लोग को पास ये लोग कैसे वो लोग वहां पर सुरक्षित रहे और जो अपराधी किए हैं वो लोग को सजा हो। से आहुरी कहिसेंते यदि असंवैधानिक भावे उन सरकार एही आतंकवादी मानकु दंडित करिबारे विफल होंते तबे मानव अधिकार उल्लंघन पाए मध्य दंड भोगिबेक पड़िबो। एथि सहित आतंकवादी विरुद्ध एकजुट होगा बांग्लादेशवासी को निवेदन करते तबे बांग्लादेश देशद्रोही अभियोग हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्त कर भारत एवं अन्यान्य हिंदू संप्रदायर सदस्य मैंने गिरफ्तारी को तीव्र विरोध करते विरोध कर राजरास्ता को ओह्ल धारणा देखते तेरे चिन्मय को पूर्व इस्कन बहिष्कार।